असली धन क्या है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एक सेठ के यहाँ कई नौकर काम करते थे, उनमें शंभू नामक एक रसोईया भी था। वह सेठ जी के परिवार और सभी नौकरों का भोजन एक साथ बनाता था। एक दिन सेठ जी जब खाना खाने लगे तो उन्हें सब्जी मीठी लगी। वह समझ गए कि शंभू ने भूल से सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी है, मगर सेठ जी ने उसके सामने बड़े चाव से सारी सब्जी खाई। शंभू को कुछ पता नहीं चला। खाने के बाद सेठ जी ने शंभू से कहा, शायद तुम परेशान हो, क्या बात है? शंभू ने कहा, पत्नी कई दिनों से बीमार है, यहाँ से जाने के बाद उसकी देखभाल करने में ही सारी रात बीत जाती है। सेठ ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, तुम अभी घर चले जाओ और पत्नी जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाए तभी आना, और पैसे की जरूरत पड़े तो आकर ले जाना। शंभू चला गया। उसके जाने के बाद सेठानी ने कहा, आपने उसे जाने क्यों दिया? अभी तो और लोगों ने खाना तक नहीं खाया है, सारा काम पड़ा है। सेठ जी बोले, उसके मन में अपने से ज़्यादा हमारी चिंता है, तभी उसने एक दिन छुट्टी नहीं की। आज उसने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी है। मैं उसके सामने सब्जी खा गया ताकि उसे कुछ पता ना चले। यह तो बहुत छोटी बात, लेकिन यदि यह सब्जी दूसरे नौकर खाएंगे तो शंभू के आने पर सब उसका मजाक उड़ाएंगे, वह लज्जित होगा, इसलिए तुम इसे जानवरों को खिला दो और दूसरी सब्जी बनाकर सभी को खिलाओ। पत्नी बोली, आप भी कमाल करते हैं, हमारे पास संपत्ति है, सम्मान है, फिर भी नौकरों को लेकर इतनी चिंता क्यों? सेठ जी ने कहा, आज हमारे पास जो कुछ भी है वह इन्हीं लोगों की मेहनत और ईमानदारी का फल है। मैंने अभी तक जो रिश्ते कमाए हैं उन्हें खोना नहीं चाहता, असली धन तो यही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो